हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु पिता, हम धन्यवाद करते हैं समय के लिए पिता, आपने हमारे जीवन में एक नया दिन दिया, नया सुबह दिया पिता, हम धन्यवाद करते हैं। जितने भाई बहन लोग आज उपास में रुके हैं पिता और आपको उपस्थिति में बैठे पिता, इनकी प्रार्थना स्वर में गहन योग होने पाए। लगातार 3 महीने तक हर फ्राइडे को उपास रहने में आप इनकी सहायता प्रदान कीजिए, इनके सारे मार्ग खुल जाए, इनके सारे बंधन टूटने पाए और आपकी महिमा इनके जीवन में स्वर्ग से प्रकट होने पाए। ओ प्रभु, जिस विषय के लिए उपास प्रार्थना रखे पिता, इनकी प्रार्थना का उत्तर आप देने जा रहे हैं, हम धन्यवाद करते हैं। इमार चंगे हो जाए, परेशानियां बाहर जाए, समस्याएं बाहर जाए और हर एक व्यक्ति आशीष से भरपूर हो जाए। जितने लोग पिता अपने हाथों को आगे बढ़ाकर बीज को बोया है, भेंट दान दशमा डाले हैं आपके कार्य के लिए, आपके राज्य बढ़ोतरी के लिए, इन सारे भाई बहनों को हरेक को हम आपके नाम से आशीष की बोले यीशु मसीह के जय। प्रभु आप सबको आशीष दे। मैं पास्टर इमानुएल एक बार फिर से स्वागत करता हूँ इस सुबह के उपास प्रार्थना की सभा में, और जितने लोग आज उपास में रुके हैं प्रभु आप सबको आशीष दे। हाँ, हमारी मिनिस्ट्री आप सभी के लिए हर रोज प्रार्थना करेगा, आप जितने प्रार्थना रिक्वेस्ट डालते हैं आप सभी के लिए प्रार्थना किया जाता है, स्वर्ग का परमेश्वर आपकी प्रार्थना का उत्तर देगा। लगातार 3 महीने तक हर फ्राइडे को उपास में रुके और इन दिनों अपने बीच को बोए, प्रभु आपको आशीष देगा। भजन संहिता 107 के 20 वचन कहता है, वह अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता और जिस गड्ढे में वो पड़े हैं उस गड्ढे से निकालता है। हालेलुया, वह अपने वचन के द्वारा चंगाई देता है और जिस गड्ढे में वो पड़े रहते हैं उस गड्ढे से उन्हें बाहर निकालता है। हालेलुया, हमारा परमेश्वर अद्भुत अगम्य है मेरे पियो, वो आपको उन समस्याओं में पड़े रहने नहीं देगा, उस गड्ढे में आपको अकेला छोड़ेगा नहीं, उस गड्ढे से आपको मेरा परमेश्वर निकालेगा और आपको अपनी आंसुओं से वह भरेगा। हालेलुया, वो आपको जय देगा। तो जिस गड्ढे में पड़ा है उस गड्ढे से परमेश्वर तुझे निकालने जा रहा है और ऊंचे चट्टान पर तुझे नियुक्त करने जा रहा है। हालेलुया, हम विश्वास करें आज की सुबह हमारे लिए परमेश्वर अद्भुत कार्य करने के लिए तैयार है। यर्मिया कहता है, यहोवा की यही वाणी है, जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूं उन्हें मैं जानता हूं, जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में गढ़ता हूं उसे मैं जानता हूं, वे हानि की नहीं वरन कुशल की है। हम अपना बोझ अपनी चिंता हम यहोवा पर डाल दे, ओ हमारे लिए भला करेगा क्योंकि वह भला परमेश्वर है, ओ हमारे लिए अरिशय कर्म करेगा क्योंकि वह अरिशय कर्म करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, हम विश्वास करें आज की सुबह वो सब असंभव को भी संभव कर रहा है और हमारे जीवन में अपनी आंसुओं को भेज रहा है। जितने लोग कमेंट बॉक्स में प्रार्थना रिक्वेस्ट डाल रहे हैं आप सभी के लिए प्रार्थना करूंगा, जितने लोग व्हाट्सएप में प्रार्थना रिक्वेस्ट डाल रहे हैं आप सभी के लिए मैं प्रार्थना करूंगा, जितने लोग अपने बीच को बोया है प्रभु आपको आशीष दे। हाँ, हमारी मिनिस्ट्री हर रोज बड़े बोझ के साथ आप सभी के लिए प्रार्थना करेगा। अपने हाथों को उठाए, स्वर्ग का परमेश्वर आपके लिए आरिश्चय क्रम प्रकट कर रहा है, आपके बंधन को तोड़कर आपको जयवंत कर रहा है। हम विश्वास करें आज की सुबह स्वर्ग का परमेश्वर हमारे साथ साथ है, वो दुखों में संकटों में परेशानियों में समस्याओं में हमारे साथ साथ है। वो कहता है ना मैं तुझे छोड़ूंगा ना मैं तुझे त्यागूंगा, तो जहां कहीं भी जाएगा मैं तेरे संग संग रहूंगा। मेरे पियो हम विश्वास करें स्वर्ग का परमेश्वर हमारे संग संग है, वो हमें नहीं छोड़ा है, वो हमें नहीं त्यागा है, वो हमारे संग संग है। ओ पिता हम धन्यवाद करते आज की सुबह के लिए, आज के दिन के पिता आपने प्रभु जी हमारे जीवन में एक नया दिन दिया, नया सुबह दिया पिता, और हम सबको जीवितों के बीच में आपने जीवित रखा पिता, हम धन्यवाद करते हैं। जितने लोग इस प्रार्थना को देख रहे हैं सुन रहे हैं पिता, हर एक को हम आपके नाम से आशीष की घोषणा करते हैं, हर एक व्यक्ति आशीषित हो जाए, सारे बंधन टूट जाए, इमार चंगे हो जाए, परेशानियां जाती रहे आपके नाम से।
जितने लोग बोझ से दबे कहरा रहे पिता, उन सबों को उस गड्ढे से आप निकालने जा रहे हैं। खुदावन हम धन्यवाद करते हैं, इनके दुख को निकाल कर इनके जीवन में सुख और आनंद की भरपूरी भरने जा रहे हैं। हम धन्यवाद करते हैं पिता। हम प्रार्थना करते हैं जो इन दिनों पिता समस्याओं में पड़े हैं, परेशानियों में पड़े हैं पिता, उनके जीवन के रास्ते जो है बंद नजर आ रहे हैं प्रभु जी, हम इनके लिए प्रार्थना करते हैं खुदावन, इनके जीवन के बंधन टूट जाए, हर एक मार्ग ओपन हो जाए, परेशानियां जाती रहे और जो विभिन्न प्रकार की समस्याएं इनके जीवन में कार्य कर रही है उन सारे समस्याओं से मैं इनको आजादी की घोषणा करता हूँ। रीमा रिखा रामा रेतम जायम रेतम जायम, सारे बंधन टूट जाए, सारे बंधन टूट जाए, अद्भुत चंगाई और छुटकारा प्रकट हो जाए। निराशा में बैठने वाले लोगों, परमेश्वर तुम्हारे लिए अतिशय कर्म कर रहा है पिता, हम इनके लिए प्रार्थना करते हैं। हम निराशाएं दूर हो जाए, इनका शोक आनंद में बदल ले पाए पिता, और आपकी महिमा इनके जीवन में प्रकट होने पाए। जो आज उपास में रुके है पिता, उपास प्रार्थना पिता रुके है प्रभु जी, और लगातार 3 महीने तक उपास में रुक कर पिता, ओ प्रभु आपसे प्रार्थना कर रहे हैं पिता, हम इनके लिए प्रार्थना करते हैं पिता, इनकी प्रार्थना स्वर में गहन योग होने पाए। जिस विषय के लिए प्रार्थना में रुके हैं, इनकी प्रार्थना का उत्तर आप देने जा रहे हैं, हम धन्यवाद करते हैं पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में। सारे बंधन टूट जाए, सारे बंधन टूट जाए, ओ रीमारा सिखरावा, इनकी प्रार्थना स्वर में गहन योग होने पाए। जिस विषय के लिए प्रार्थना रखे हैं प्रभु जी, इनकी प्रार्थना का उत्तर आप देने जा रहे हैं, हम धन्यवाद करते हैं। आपकी आशीष से इनके जीवन में फलवंत होने पाए, इनके सारे बंधन टूटने पाए, इमार चंगे हो जाए, परेशानियां बाहर निकलने पाए, अद्भुत चंगाई और छुटकारा आपके नाम से प्रकट होने पाए। इसी समय पिता हम आपके नाम से आशीष की घोषणा करते हैं। ओ रीमा रामा सिखा रामा रेतम जयम रेतम जयम, इनके घरों में शांति और आशोक की बारिश होने पाए पिता, ओ प्रभु इनकी प्रार्थना का उत्तर आप स्वर्ग से देने जा रहे हैं, हम धन्यवाद करते हैं पिता। जो इंद्र बीमार पड़े हैं पिता, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, मारिया छोटी बड़ी नई पुरानी क्यों ना हो, हर प्रकार की मारी की बंधन, ये बीमारी के बंधन से आजाद हो जाए, मारिया इनके शरीर से बाहर निकलने पाए, अद्भुत चंगाई और छुटकारा प्रकट हो जाए। अपने हाथों को उठाएं, अपने हाथों को उठाकर स्वर्ग का परमेश्वर की ओर अपने नजरें उठाते हुए उससे प्रार्थना करें, उससे प्रार्थना करें मेरे पियो, वो आपको चंगाई और सिखा देगा। वो चंगा करने वाला परमेश्वर यहोवा हमारे साथ साथ है, वो हमें चंगाई देगा, वो हमें चंगा करेगा मेरे पियो। ओ लॉर्ड ब्लेस नाउ सारे भाई बहनों को, हर एक व्यक्तियों को हम आपके हाथों में सौंपते हैं पिता, हमारी छोटी बड़ी नई पुरानी क्यों ना हो, हर प्रकार की मारी की बंधन से या आजाद हो जाए, बीमारियां इनके शरीर से बाहर निकलने पाए, इनके हाथों इनके पैरों में नया बल नया शक्ति और एक नया सामर्थ्य आ जाए, कमजोरियां वीकनेस सब इनके जीवन से बाहर निकलने पाए। इसी समय यीशु के नाम में मैं चंगाई की घोषणा करता हूँ, अद्भुत चंगाई और छुटकारा यीशु के नाम में प्रकट हो जाए, और आपके नाम से ये चंगे और ब्लेसिंग हो जाए पिता, इनके हाथों इनके पैरों में नया बल आ जाए, नया शक्ति आ जाए, नया सामर्थ्य आ जाए, सारी कमजोरियां वीकनेस इनके शरीर से दूर होने पाए, यीशु के नाम ये चंगे हो जाए। इसी समय मैं चंगाई की घोषणा करता हूँ, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में ये चंगे और ब्लेसिंग हो जाए, अद्भुत चंगाई और छुटकारा स्वर्ग से प्रकट होने पाए, रसोली पथरिया गिल्टिया गांठ बाहर जाए, बीपी शुगर नमो होने पाए, एलर्जी स्किन प्रॉब्लम बाहर जाए, कोलेस्ट्रॉल कम होने पाए, जो भी प्रकार की मारिया इन्फेक्शन इनके शरीर में है मोतियाबिंद सिर दर्द बाहर निकलने पाए। इसी समय यीशु के नाम में मैं चंगाई की घोषणा करता हूँ, अपने हाथों को उठाते परमेश्वर को पुकारें, वो आपकी सुनेगा, आपकी प्रार्थना का उत्तर देने के लिए तैयार है मेरे पियो। विश्वास करोगे तो प्रभु की महिमा को देखोगे, हमें संदेह शक नहीं, अपने उस खुदा पर विश्वास रखना है। यस, वो हमारे लिए अपना अंतिम रक्त बहा दिया, वो हमसे इतना मोहब्बत किया, इतना प्यार किया कि अपने को पुत्र हमारे लिए दे दिया, ताकि जो कोई विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु वह अनंत जीवन में प्रवेश करे। आज की सुबह परमेश्वर हमारे जीवन में मिलकर करने के लिए तैयार है, बीमारी के बंधन से शराब के बंधन से आपको छुटकारा देने के लिए तैयार है। अपने अपने पापों से फिर कर गुनाहों से फिर कर यीशु के पास आकर उससे प्रार्थना करें,
वो आपकी सुनेगा, वो आपकी सुनेगा। हर प्रकार की मारी की बंधन से परमेश्वर तुम्हें आजाद कर रहा है। पिता ये दुनिया कोने में कहीं भी रखकर प्रार्थना को देख रहे हैं, हम इनके लिए प्रार्थना करते हैं और आपके नाम से इसी समय हम इनको चंगाई की घोषणा करते हैं। अद्भुत चंगाई और छुटकारा यीशु के नाम में प्रकट हो जाए इसी समय। इसी समय पिता अपनी सामर्थ्य हाथ बढ़ाकर हर एक को छू लीजिए, शिफा और चंगाई दीजिए पिता, और अपनी महिमा के लिए उपयोग करें। पिता आपने यहाँ सी चंगाई दे दिया, ओ प्रभु बीमारी की बंधन से आपने आजाद कर दिया है। हम धन्यवाद 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 करते हैं, ओ थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद यीशु प्रभु जी, आपने आशीष चंगाई दिया, हम धन्यवाद करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं पिता, जो कर्ज में घिरे, जो कर्ज में पड़े हैं पिता, आज की उपास प्रार्थना के द्वारा पिता इनके मार्ग खुल जाए, ये पिता सारे कर्ज के बंधनों से आजाद हो जाए प्रभु, और आपकी महिमा इनके जीवन में स्वर्ग से प्रकट होने पाए। सारे कर्ज के बंधन से हम आजादी की घोषणा करते हैं इसी समय पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में आजाद स्वतंत्र हो जाए, कर्ज के जीरों से आजाद हो जाए, और आपकी महिमा इनके जीवन में स्वर्ग से प्रकट होने पाए पिता। ऐसे आज से आपने पिता इनके जीवन में दे दिया, हम धन्यवाद 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 करते हैं। ओ थैंक यू लॉर्ड, प्रेज टू जीसस। महिमा महिमा हो राजा यीशु, आपकी महिमा हो, आपकी महिमा हो। हम आपका धन्यवाद करते हैं, हम आपकी महिमा करते हैं दिल की गहराई से। यस लॉर्ड, यस लॉर्ड। सारे भाई बहनों को, हर एक उपस्थित जनों को हम आपके नाम से आशीष की चंगाई की घोषणा करते हैं। ओ रमा रमा सीखा रबा रेतम जयम तारा दुर्गेश, ओ हालेलुया मोनिका नंदनी निर्मला, परमेश्वर आप लोगों के लिए एक बेस्ट आशीष रखा है। आप परेशान हैं, दुखों में हैं, घर की समस्या हालात को देखकर आप निराशा में बैठे हैं, लेकिन परमेश्वर का निराश होने की आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर का आनंद तेरा दीर्घ है, तेरे काम सफल होंगे, जॉब की ब्लेसिंग मिलेगी, बच्चे की आशीष मिलेगी, तेरे हालात बदलेंगे, घर की परिस्थितियां बदलेगी। विश्वास रख, विश्वास रख। यस यस, थैंक यू लॉर्ड पिता, हम इनको आपके नाम से आशीष की घोषणा करते हैं। जो आपने नाम दिए पिता इन सारे नामों को अपनी महिमा के लिए बहुत ऐसा उपयोग करे पिता, हम आपके नाम से इनको ब्लेस करते हैं। ओ थैंक यू लॉर्ड, जो पिता घर में अशांति फैल रहा है, झगड़े की आत्माएं कार्य कर रही है पिता, हम उन घरों के लिए हम प्रार्थना करते हैं, उन घरों में शांति और आशीष आ जाए, मैं मिलाप की आत्मा आ जाए प्रभु जी, और आपकी महिमा उन स्थानों में स्वर्ग से प्रकट होने पाए, उस घर में सुख शांति और आशीष आने पाए पिता, लड़ाई झगड़े की आत्माएं वहां से बाहर निकलने पाए, और आपकी महिमा उन स्थानों में स्वर्ग से प्रकट हो जाए। ऐसे आशीष से आपने इनके जीवन में दे दिया पिता, इनके आपने मार्ग खोल दिया, इनके बंधन को आपने तोड़कर इनको आपने ब्लेस किया, हम धन्यवाद करते हैं खुदा। थैंक यू लॉर्ड, प्रेज टू जीसस, प्रेज टू जीसस। इनके घरों में आपने ब्लेसिंग दिया पिता, हम धन्यवाद करते हैं। ओ हालेलुया हालेलुया हालेलुया, महिमा 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 हो पिता, सुख शांति आशे दिया, मैं मिलाप की आत्मा को दिया पिता, हम धन्यवाद करते हैं। जो मुझे गुजरात से, हैदराबाद से, इंदौर, भोपाल, जबलपुर, MP से, UP से, और रीमा राजशेखर, नागपुर, मुंबई, हरियाणा, पंजाब, लुधियाना से, दिल्ली से, ओ हालेलुया, परमेश्वर आप लोगों के जीवन में एक नई आशा को भेज रहा है। घर में जो भी समस्याएं हैं, आप बोल रहे हैं घर की समस्या हालात को देखकर मैं निराश चुका हूं, मैं कह रहा हूं घर में आप लोगों के जीवन में आशीषें आ रही है, शांति आ रही है, जो रुका हुआ काम है वो पूरा होने जा रहा है यीशु के नाम में। मैं प्रार्थना करता हूं ऐसे समय पे तन के घरों में आशाओं की बारिश होने पाए, वीजा पासपोर्ट की ब्लेसिंग मिलने पाए, रुकावटें बाहर जाए, जो भी पिता बंधन है इनके जीवन से टूटने पाए पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम में हम आशीष की घोषणा करते हैं। जितने लोग पिता जॉब के लिए पिता प्रार्थना करवाए उनको ब्लेस करे खुदावन, जो मैंने शहर लिया है, नाम लिया है, परमेश्वर आप लोगों को ब्लेस कर रहा है, जॉब की ब्लेसिंग दे रहा है, मांगने से अधिक योग्यता से बढ़कर आपको ऊंचे पदों पर नियुक्त करने जा रहा है, बच्चे की ब्लेसिंग और घर में सुख शांति आज से दे रहा है स्वर्ग का परमेश्वर। ये पिता आपने इनको ब्लेस किया, हम धन्यवाद करते हैं खुदा।
ओ थैंक यू लॉर्ड प्रेस टू जीजस महिमा महिमा जिनका जन्मदिन है पिता, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। जन्म से लेकर अभी तक आपने संभाला और एक नया साल में आपने प्रवेश दिलाया, हम धन्यवाद करते हैं। हम आपके नाम से इनको आशीष की घोषणा करते हैं, ये आपके नाम से आशीष हो जाए, ब्लेसिंग हो जाए और अपनी महिमा के लिए इनको बहुत आयस उपयोग करें। नए साल में हर एक आशो से ये भरपूर हो जाए पिता। जिनका साल गिरा है हम उनके लिए प्रार्थना करते पिता, जब से आपने जुड़ा अब तक आपने संभाला और एक नए साल में आप इन्हें प्रवेश दिया, हम धन्यवाद करते हैं। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में हम इन्हें आशीष की घोषणा करते हैं। प्रभु जी अपनी आंसुओं से आप इनको भरपूर कीजिए और अपनी महिमा के लिए इनको बहुत आयस उपयोग करें पिता। नया साल इनके घर इनके परिवार में आंसुओं की बारिश होने पाए और हर एक क्षेत्रों में अपनी आंसुओं से आप इनको भरने जा रहे हैं, हम धन्यवाद करते हैं। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में हम आशीष की घोषणा करते हैं। ऐसे आशीष पिता आपने इनके जीवन में दे दिया, इनके मार्ग को खोल दिया, इनके बंधन को आपने तोड़कर इन्हें आपने जयवंत कर दिया है, हम धन्यवाद करते हैं। ओ थैंक यू लॉर्ड प्रेज टू जीसस, महिमा हो राजा यीशु, आपकी महिमा हो, आपकी महिमा हो। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में यह आशीष हो जाए पिता, आपकी महिमा इनके जीवन में स्वर्ग से प्रकट होने पाए। प्रभु अपनी आंसुओं से आप इनको भर दीजिए पिता, जो भी रास्ते बंद है रास्ते आपके नाम से ओपन हो जाए, परेशानियां जाती रहे पिता। ओ हालेलुया, धन्यवाद यीशु। जिनकी मेहनत कमाई रुका है प्रभु जी, किसी कंपनी किसी ऑफिस में कहीं पैसा इन्वेस्ट के किसी को दिए हैं लेकिन मेहनत कमाई समय पे नहीं मिल पाया, हम इनके लिए प्रार्थना करते हैं पिता इनकी मेहनत कमाई मिलने पाए। खुदाबन सारे रुकावट बधाई आपके नाम से जाती रहे। जो MD कंपनी मैनेजर है उनका हृदय उनका मन फिरने पाए पिता, और इनकी मेहनत कमाई ये देने वाले हो जाए, रुकावट बधाए सब आपके नाम से जाती रहे। ऐसे आशीष से पिता आपने इनके जीवन में दे दिया, हम धन्यवाद करते हैं पिता। हम प्रार्थना करते हैं उन सारे भाई बहनों के लिए पिता। ओ हालेलुया, रीमा राशि खराबा जो पिता इस समय पिता जॉब के लिए परेशान है पिता, जॉब नहीं मिल पाई है, एग्जाम दे चुके हैं पिता, इंटरव्यू दे चुके हैं पिता, ज्वाइन लेटर नहीं आ पाया है, इनके लिए हम प्रार्थना करते हैं पिता इनकी हर एक समस्या इनके जीवन से बाहर जाए और आपकी महिमा इनके जीवन में प्रकट होने पाए, इनके बदल जाए, इनकी परिस्थितियां बदल जाए पिता, और आपकी महिमा इनके जीवन में प्रकट होने पाए। मांगने से अधिक अगुता से बढ़कर आप इनको ज्वाइन लेटर देने जा रहे पिता, और इनके जॉब देने जा रहे प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं इनका ज्वाइन लेटर आने पाए, रुकावट बधाए सब दूर होने पाए, जो फाइल रुका है पिता फाइल आगे बढ़ने पाए, और अपनी आंसुओं से भर दीजिए, यही प्रार्थना करते हैं। जो बच्चे के आशीष के लिए प्रार्थना करवाए पिता, हम प्रार्थना करते हैं और हम आपके नाम से इनको आशीष की घोषणा करते हैं पिता। पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में आशीष हो जाए, बीमारियां इनके शरीर से बाहर निकलने पाए, परेशानियां इनके जीवन से बाहर निकलने पाए, इसी समय हम आपके नाम से इनको आशीष की घोषणा करते हैं। अद्भुत चंगाई और छुटकारा यीशु के नाम में प्रकट हो जाए पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में यह आशीष हो जाए पिता परमेश्वर। अपनी आंसुओं से आप इनको भर दिया, हम धन्यवाद करते हैं। ओ रामा शिखर अबा, ओ प्रभु ये प्रार्थना जिस घर में चलिए उस घर को मैं आशीष करता हूँ, वहाँ के लोगों को मैं आशीष करता हूँ, वहाँ पिता जितने लोग है हर एक को मैं आशीष की घोषणा करता हूँ पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में, यह आशीष हो जाए, यह ब्लेसिंग हो जाए, इनके रास्ते ओपन हो जाए प्रभु जी, उस घर के बंधन टूटने पाए, मार्ग खुलने पाए और आपकी महिमा उन स्थानों में स्वर्ग से प्रकट होने पाए पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में, यह आशीष हो जाए पिता। ऐसे आशीष से पिता आपने इनके जीवन में दे दिया, इनके मार्ग को आपने खोल दिया, इनके बंधन को आपने तोड़ दिया है पिता, हम धन्यवाद करते हैं खुदावन। हम प्रार्थना करते पिता इस समय पिता, जो भाई बहन लोग प्रभु जी वो कमेंट बॉक्स अपनी समस्याओं को लिखकर डाल रहे हैं, इनकी हर एक समस्याएं जाती रहे, इनके बंधन टूट जाए, इनके मार्ग खुल जाए पिता, हर एक बीमार चंगे हो जाए, चिंताएं बाहर जाए, परेशानियां बाहर निकलने पाए। जो चिंता करने वाली बात इनके जीवन में कार्य कर रही है, हर एक चिंताओं से मैं इनको आजादी की घोषणा करता हूँ।
ऐसे आसे आपने दे दिया, इनके मार खोल दिया, इनके बंधन को आपने तोड़कर इन्हें आपने जयवंत कर दिया। हम धन्यवाद करते पिता। ओ प्रभु दिन भर कार्य में अगुवाई करें, आने जाने में सहायता करें, यात्राओं में सुरक्षा प्रदान करें, ये जहां भी जाते हैं पिता इनके सारे काम सफल हो जाए। प्रभु जी अपनी आसों से आप इनको भरपूर करें खुदा। जितने भाई बहन लोग जो पास में रुके हैं पिता, इनकी प्रार्थना स्वर में गहन योग होने पाए, इनकी प्रार्थना का उत्तर आप देने जा रहे हैं पिता। हम धन्यवाद करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं पिता। जितने लोग पिता प्रार्थना रिक्वेस्ट डाले हैं पिता, भिन्न प्रकार की समस्याओं के लिए हम प्रार्थना करते हैं और आपके नाम से हर एक समस्याओं से आजादी की घोषणा करते हैं। जितने लोग अपने बीज को बोया है पिता, इनके घर के परिवार को ब्लेस करे। जितना ये बीज बोते हैं उसका 100 गुना आप इनको ब्लेस करने जा रहे हैं, इनके खत्तों को आशीष देने जा रहे हैं पिता। हम धन्यवाद करते हैं पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में ये आशीष हो जाए। ऐसे आशीष पिता आपने इनके जीवन में दे दिया, हम धन्यवाद करते हैं। बाकी समय को पिता आपके हाथों में सौंपते हैं। आज के दिन हर एक काम सफल हो जाए, जितने का रिपोर्ट आने वाले हर एक का रिपोर्ट नौ माने पाए, आने जाने में घर से लेकर बाहर में काम करने में सहायता करें, सुरक्षाओं से भरपूर करें और अपनी महिमा के लिए बहुत ऐसा उपयोग करें। ऐसे आशीष दे दिया, धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना सुना, धन्यवाद यीशु पिताजी, आशीष मांगते हैं, शुद्ध आज ग्रहण कर ले पिता, आमीन। हालेलुया। मेरे पियो हम विश्वास करें स्वर्ग का परमेश्वर हमें अपने आंसुओं से भरने के लिए तैयार है। हम विश्वास करेंगे प्रभु की महिमा को अपने जीवन में होते हुए देखेंगे। हालेलुया। आप गड्ढे में पड़े, उस गड्ढे से परमेश्वर आपको निकालेगा, ऊंचे चट्टान पर आपको खड़ा करेगा। हमारा परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है मेरे पियो। जितने लोग आज उपास में रुके हैं निश्चित तौर पर प्रभु इसका प्रतिफल देगा। लगातार 3 मई तक हर फ्राइडे को उपास में रुके प्रभु आपको आशीष देगा। जितने लोग कमेंट बॉक्स में डाल रहे प्रार्थना रिक्वेस्ट, आप सभी के लिए प्रार्थना किया जाएगा। सभी को जय मसीह की, गॉड ब्लेस यू ऑल, आमीन।